हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 11, राम वृक्ष बेनीपुरी ऑफ 10th क्लास हिंदी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 11 राम वृक्ष बेनीपुरी का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इसका आंसर आ जाएगा, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। वह एक थे तो ग्रस्त, लेकिन उसमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी हमें दिया गया है, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, ठीक है। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, ठीक है। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को न स्वत था, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, ठीक है। वे शरीर को न स्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, ठीक है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, ठीक है। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, ठीक है। न किसी से झगड़ा करते थे, ठीक है। किसी की चीज़ न छूते थे, ठीक है। न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, ठीक है। वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे, ठीक है। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता, सबसे पहले उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते हैं, ठीक है। और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता है, वे उसे उसी से गुजारा करते हैं, ठीक है। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका आंसर आएगा, भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी, ठीक है। पुत्रवधु को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला
और कोई नहीं था। ठीक है, उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसका आंसर आ जाएगा, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया। ठीक है, एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया था। कबीर के भक्त गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसी चली गई मानो कोई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। ठीक है, उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसी चली गई मानो कोई वीरहीन अपने प्रेमी से जा मिली। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उन दोनों के मिलने से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की न स्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र विस्तृत करें। ठीक है, चित्र प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। भगत जी ग्रस्त होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। ठीक है, भगत जी ग्रस्त होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे ग्रस्त होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। ठीक है, कि वे ग्रस्त होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। ठीक है, वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। ठीक है, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। ठीक है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। ठीक है, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे अलौकिक गायक थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। ठीक है, आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है। ठीक है, वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होती है। ठीक है, अपने बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी होती है। अपने पुत्र वध को उसके पिता के घर भेज दिया था। ठीक है, अपने पुत्र वध को उसके पिता के घर भेज दिया तथा उसका दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। ठीक है, तथा उसका दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर की होगी। ठीक है, उम्र 60 से ऊपर की होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। ठीक है,
किंतु उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, ठीक है, वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ठीक है, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह गुरु होता है, ठीक है, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी? इसका आंसर आ जाएगा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी, ठीक है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई कि क्योंकि वे जीवन के सिद्धांत और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे, ठीक है, उसे अपने आचरण में उतारते थे, वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी, ठीक है, वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भोर से सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे, ठीक है, गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे, खेत में अकेली खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे, ठीक है, खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया, एक वृद्ध ही अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते थे, ठीक है, वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, ठीक है, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, ठीक है, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे, ठीक है, खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे, गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे, ठीक है, उनके गीतों में जादुई प्रभाव था, संध्या समय में जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए गए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी, भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की सूद बूद खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि
बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, ठीक है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, ये बातें निम्न उदाहरणों द्वारा पता चलती हैं, ठीक है। ये बातें निम्न उदाहरणों द्वारा पता चलती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमें दिया गया है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया, ठीक है। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने का बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया। बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधु से ही दाह संस्कार संपन्न कराया, ठीक है। पॉइंट फिर से देख लीजिएगा, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधु से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। समाज में विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधु के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे, ठीक है। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी, ठीक है। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी, बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेती में काम कर रहे लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था, ठीक है। मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो, उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे, ठीक है। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होठ कांप कर गुनगुनाने लगते थे, ठीक है। अपने आप उनके होठ कांप कर गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते थे। चौपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की तरह स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी, ठीक है।